राजेंद्र कुमार सिंह सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रतिनिधित्व की समस्या। आज कल दुनिया के अधिकांश देशों में बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित है। इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र से वह प्रत्याशी चुना जाता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं। इस प्रणाली के तीन भयंकर दोष है। पहला, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। दूसरा, किसी दल के निर्वाचन परिणाम का और व्यवस्था भी कम उसकी संख्या का कोई परस्पर संबंध नहीं रहता। तीसरा, अल्पमती सरकारों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र में मान लीजिए 5 उम्मीदवार यह रह लह व शय खड़े हुए और कुल 15 लाख में से 10 लाख विविध मत पड़े जिनसे विभिन्न उम्मीदवारों की इस प्रकार मत प्राप्त हुए। ये 2 लाख मत 1 लाख य को 2 लाख मत, र को 150,000 मत, ल को 250,000 मत, वह को 125,000 मत, स को 3 लाख मत। इन मतदान आंकड़ों के आधार पर स निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मतों की संख्याओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सफल प्रत्याशी स को अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुशल वेद मतों में से आधे से कम मत प्राप्त हुए। अतः वह सही मायने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करता है, न कि बहुमत का। हमारे देश में प्रचलित बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सन 1952 से 1998 तक संपन्न चुनावों के परिणामों के आधार पर स्थापित होने वाली सभी केंद्रीय सरकारें मतदाताओं से प्राप्त मत के प्रतिशत की दृष्टि से अल्पमत सरकारें थीं, क्योंकि सरकार निर्मित करने वाले दल को सन 1952 में कुल वेद मतों का 45%, 1957 में 47.8%, 1962 में 44.5%, 1967 में 40.7% और 1971 में 43.1% मत प्राप्त हुए थे। 1984 में 42.12% मत प्राप्त कर कांग्रेस ने लोकसभा में 80% सीटें प्राप्त की। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार तथा 1991 में बनी पीवी नरसिम्हा राव सरकार भी अल्पमती सरकार थी। विपक्ष के मतों की विभाजन के कारण कांग्रेस पार्टी को 1952 में लोकसभा के कुल स्थानों में से 74.4% स्थान, 1957 में 75.1% स्थान, 1962 में 72.8% स्थान, 1967 में 53.5% स्थान तथा 1971 में 67.2% स्थान प्राप्त हुए। प्रोफेसर मेहता के अनुसार इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कांग्रेस दल को, जिसने हमेशा लोकसभा में प्राप्त बहुमत के आधार पर केंद्र में अपनी सरकार का निर्माण किया और उसके आधार पर प्रारंभ से लेकर आज तक देश का शासन किया, कभी भी मतदाताओं के स्पष्ट और वास्तविक अर्थात कुल मतदाताओं के 51% भाग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के प्रथम आम चुनाव तथा 1984 के चुनाव में कांग्रेस दल को प्राप्त मतों की प्रतिशतता के अनुपात में कहीं अधिक स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए। प्राप्त मतों की प्रतिशतता और प्राप्त स्थानों की प्रतिशतता। फिर प्रचलित प्रतिनिधित्व प्रणाली के परिणामस्वरूप जिन लोगों ने अपना मत पराजित उम्मीदवारों के पक्ष में दिया वे प्रतिनिधित्व रहित हो जाते हैं, उनके मत बेकार जाते हैं जिससे उनके राजनीतिक दलों के साथ पूर्ण न्याय नहीं होता आधुनिक लोकतंत्रों में अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व की समस्या भी गंभीर है। अल्पसंख्यकों से हमारा अभिप्राय ऐसे जन समुदाय से है जो संख्या में अपेक्षाकृत कम है किंतु उनकी अपनी भाषागत, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक विशेषताएँ हैं और जिनका वे संरक्षण चाहते हैं। व्यवहार में लोकतंत्र का आशय है बहुमत का शासन, शायद बहुसंख्यक वर्गों को शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह भी निर्वाच सत्य है कि सच्चा लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की सहमति पर निर्भर है। अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि
वह अपने हितों की रक्षा कर सके, अपना विपरीत मत व्यक्त कर सके तथा सरकार का विरोध कर सके। लोकतंत्र बहुमत का शासन भले ही हो, पर वह केवल कर बहुमत के लिए नहीं अपितु सबके लिए है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है, जिससे वे बहुसंख्यक वर्ग को प्रभावित कर सके और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का एक उपाय है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाए, उनकी रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाए। सिजविक ने इस विचार का विरोध किया है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार लोकतंत्र का यह सारभूत सिद्धांत है कि अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके अभाव में लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व बल देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व अतिशय महान है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 2/3 मतदाता दूसरे दल को मत दे तो यह स्पष्ट है कि बहुमत वर्ग 2/3 और अल्पसंख्यक वर्ग को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियाँ। यद्यपि लोकतांत्रिक शासन पद्धति का अर्थ बहुमत का शासन है, तथापि इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जाए। हम जॉन स्टुअर्ट मिल के इस कथन को की प्रशंसा करते हैं कि लोकतंत्र के आवश्यक अंग के रूप में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। उसने आगे कहा कि किसी वास्तविक रूप से समान लोकतंत्र में प्रत्येक किसी भी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जो अनुपात से अधिक या कम ना हो। जो निर्वाचक अल्पसंख्यक अल्पसंख्या में है उन्हें हमेशा अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो निर्वाचक अल्पसंख्या में है उन्हें कम संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलना ही चाहिए। एक के बदले एक के अनुसार उनको उतना ही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा जितना बहुसंख्यकों को मिला है। जब तक उन्हें हम प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, सरकार को समान नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह असमानता और विशेषाधिकार का शासन होगा जो न्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध होगा। जो यह दावा करता है कि समता इसका मूल और इसकी बुनियाद है। अधिकांश देशों में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्रथा प्रचलित है और इस प्रणाली का सबसे गंभीर दोष है कि इसमें अल्पमत अथवा अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है। इस दोष को दूर करने के लिए निर्वाचन को अनेक विधियां निकाल ली है जिनका विभिन्न देशों में प्रयोग किया गया है। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख है, इसलिए प्रत्येक का साधारण परिचय अथवा संक्षिप्त विवेचन देना आवश्यक प्रतीत होता है। द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, एक मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली, मतद्वार, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय मत प्रणाली, इस पद्धति के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि सफल उम्मीदवार को डाले गए मतों का 50% से अधिक भाग प्राप्त करना चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत एक क्षेत्र से चुनाव में यदि 3 या अधिक उम्मीदवार हैं और उनसे किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता हो, तो अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों के बीच दोबारा निर्वाचन करा के विजय का निर्णय किया जाता है। मान लीजिए किसी चुनाव को 1,000 मतों में से एक को 400 मत, वह को 350 मत और सह को 250 मत मिले। स्पष्ट बहुमत 1,000 में से 501 मत होता जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ए और बैग के मध्य क्षेत्र में पुनः मतदान कराकर निर्णय किया जाएगा। दोबारा होने वाले निर्वाचन में जो बहुमत प्राप्त करेगा वही विजयी घोषित होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचन में इस प्रणाली को अपनाया गया है। वैकल्पिक मत प्रणाली, इसमें निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य वाला रहता है, परंतु चुनाव के लिए पूर्ण बहुमत आवश्यक होता है। इसके अनुसार मतदाता मत तो एक ही देता है, किंतु उसे अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद बताने का अधिकार होता है। अर्थात उसकी पहली पसंद वाला उम्मीदवार न चुना जाए तो उसका मत दूसरी तथा तीसरी पसंद के उम्मीदवार को पड़ जाएगा। यदि मतदान के बाद किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, परंतु किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम हटा दिया जाता है। उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में दूसरे पसंद के अनुसार बांट दिया जाता है। यदि अब किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा फिर सबसे कम मत वाले उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है निर्वाचित,
घोषित कर दिया जाता है। यह प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से मिलती जुलती है। इसमें क्षेत्र एक सदस्य वाले होते हैं, जबकि आनुपातिक पद्धति में बहु सदस्य वाले क्षेत्र होते हैं। सीमित पद प्रणाली, इसमें अपेक्षा की जाती है कि एक बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम तीन स्थान होने चाहिए और मतदाताओं को स्थानों की संख्या में कम मत देने का भी अधिकार होना चाहिए। उन्हें यह भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वे किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत दे सकें। उदाहरण के लिए, तीन सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता के पास दो मत होते हैं। ऐसी व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के हिस्से में थोड़ा सुधार आ जाता है, और यदि उसकी संख्या काफ़ी अधिक है तो वे एक है और सुसंगठित है, तो इस बात की संभावना हो सकती है वे कोई स्थान प्राप्त कर ले। नंबर चार, एक मत पद्धति। यह बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में चलती है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार दिया जाता है। उम्मीदवारों को मतों की संख्या के आधार पर चुना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधर जाती है, क्योंकि अगर वे चाहे तो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि बहुसंख्यकों के मत विभिन्न उम्मीदवारों में बांटे जाएंगे। संचित मत प्रणाली, नंबर पाँच, इस पद्धति के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने स्थान होते हैं प्रत्येक मतदाता उतने ही मत दिए जाते हैं। यदि वह चाहे तो अपने सारे मत एक प्रत्याशी के पक्ष में डाल सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि चार सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता अपने सारे मत एक प्रत्याशी के पक्ष में डालते हैं तो कम से कम एक स्थान तो वे जीत ही सकते हैं। इसे एकत्रित मत पद्धति नाम से जाना जाता है। मतभार, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के लोगों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात उन्हें उस संख्या से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए जितने बहुसंख्यक लोगों को प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए, भारत में स्वतंत्र पूर्व मुसलमानों और सिखों को दो मत देने का अधिकार था। एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिए और एक अपने समुदाय के निर्वाचन उम्मीदवार का निर्वाचन करने के लिए। पृथक निर्वाचन प्रणाली, कभी कभी धर्म या संप्रदाय के आधार पर पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि लाने की व्यवस्था की जाती है। भारत में 1909 के अधीन अंग्रेजों ने इस प्रणाली को लागू करके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल में संप्रदायों के अनुसार स्थानों का बंटवारा कर दिया जाता है। एक संप्रदाय के मतदाता अपने संप्रदाय के उम्मीदवारों को भी मत दे सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अधिक अच्छे और प्रभावपूर्ण विकल्प के रूप में अनेक राजनीति शास्त्र में व्यवसायिक या प्रकार्यात्मक पद्धति का सुझाव दिया है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का आधार पेशा व्यवसाय होता है, न कि प्रादेशिक क्षेत्र। इस प्रणाली के समर्थक प्रादेशिक प्रणाली की तीव्र आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रादेशिक प्रणाली लोगों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस प्रणाली के समर्थकों के अनुसार एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के हित एक से होते हैं, न कि एक ही प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के। इस प्रकार का बुनियादी आधार यह है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों को राष्ट्र विधानसभा के में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अपने विशेष हित होते हैं। और निर्वाचन पद्धति का बुनियादी आधार वृत्ति या पेशा होना चाहिए। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व, श्रमिक और वकीलों का प्रतिनिधित्व, वकील और डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व डॉक्टरी करे, तभी देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। व्यावसायिक या प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का विचार उस सामाजिक व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करता है जो मध्ययुग में विद्वान थी, जब सामाजिक वर्गों का स्वायत्त शासी स्वरूप होता था। गिल्ड समाजवादियों ने इसे नए रूप में प्रस्तुत किया है। डुब्बी ने कहा कि विभिन्न गुटों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके जन इच्छा को उपयुक्त व्यक्ति प्रदान की जा सकती है। सिडनी वेव, पीटर्स वेव जैसे प्रसिद्ध अंग्रेजों ने सुझाव दिया है कि ब्रिटेन के समाजवादी राष्ट्रमंडल के लिए एक नया संविधान बनाया जाना चाहिए जिसका आधार प्रक्रियात्मक हो। जीडीएच कोल के शब्दों में, समस्त सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। इसका निष्कर्ष है कि समाज में प्रतिनिधियों के उतने अधिक निर्वाचन गुट होने चाहिए जितने किए जाने वाले अलग अलग कार्य हों।